Press the bell icon of the eParthshala channel and never miss another update. So hello student, this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है आपका eParthshala के channel में. हम chapter 6 पढ़ रहे हैं और अभी हमने जानना है इस chapter के अंदर भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में. भक्ति के बारे में तो हमने काफ़ी हद तक chapter के अंदर cover कर लिया, जैसे कि हमने जाना कि south के अंदर कैसे विष्णु भगवान और शैव भगवान को मानने वाले अलग अलग विचारधाराएं तमिलनाडु के अंदर अलग थी और कर्नाटका के अंदर अलग थी. ठीक ऐसा ही फिर हमने जाना कि हमारे नॉर्थ पार्ट में कैसे राजपूत लोग कैसे भक्ति को मानते थे, फिर उनमें से अलग कैटेगरी आई. फिर हमने जाना कि इस्लाम धर्म हमारे देश के अंदर से कैसे आना, इन्वॉल्व कैसे आया, मीर कासिम कैसे हमारे देश के अंदर आए और फिर उसने हमारे देश के अंदर इस्लाम धर्म को कैसे बनाया और कैसे इस्टेब्लिश करा. तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो थर्ड पार्ट है ये, और हम 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में पूरा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं. इसमें हमने अभी तक इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी हद तक जानने की कोशिश करी है. आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा टॉपिक पूरा का पूरा कि कैसे इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद सूफीवाद का विकास हमारे देश के अंदर होता है. ये बिल्कुल उसी की तरह ही है जैसे एक धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति सेम हो सकते हैं, बस आचरण करने का तरीका और सोच थोड़ी सी अलग हो सकती है बस. उसके बाद हम जानेंगे चित्सी जो थे उनकी परंपराएं उपमहाद्वीप के अंदर और उपमहाद्वीप के अंदर कैसे फैली और इवन हमारे कॉन्टिनेंट में भी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. फिर हम जानेंगे चित्सी की जो परंपराएं हैं उनका संचार करने का तरीका, उनकी भाषाएं जो उन्होंने लिखा या कुछ भी है वो सब हम जानेंगे. एंड देन फिर हम जानेंगे कि सूफी लोग जो हैं उनका राज्य से उन लोगों का संबंध क्या होता था उस टाइम पीरियड में. तो आइए एक एक करके इस पार्ट को समझते हैं और डीपली एनालाइज करेंगे हम कि पूरी तरीके से इस्लाम और सूफिज़म में क्या अंतर है. तो सबसे पहले मैं अगर सूफ़ी के विकास की बात करूं तो सूफ़ी इस्लाम धर्म के अंदर धार्मिक सोच वाले लोगों का एक समूह है और वो कुरान की जो भी व्याख्या है, जो भी परिभाषा है, वो अपने हिसाब से उन तरीकों की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या पर जोर दिया है. यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस्लाम के आरंभिक समय के अंदर एक धार्मिक और एक राजनीतिक संस्था के रूप में एक खिलाफत के बेस पे एक अलग आध्यात्मिक लोग जो थे उनका उदय होता है. ये रहस्यवादी लोग ही मैं इन्हें बोल सकता हूँ जब भी इन लोगों को सूफ़ी कहा जाता है. ये पूरी तरीके से कुरान की जो परंपराएं थी, पैगंबर के जो व्यवहार थे, उन सब को ये अलग अलग तरीके से इनकी आलोचनाएँ करते हैं. इवन ईश्वर की भक्ति और उनके आदेश के पालन पर तो इन लोगों ने जोर दिया है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद भी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने हर चीज़ का अनुसरण अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करके बताया है. तो 11th सेंचुरी तक आते आते हमारे देश के अंदर काफ़ी हद तक सूफीवाद जो है वो फैल चुका था और ये आंदोलन विकसित हो चुका था हमारे देश के अंदर और इसने कुरान की जो जड़ें थी उनका काफ़ी हद तक इन्होंने निंदा करी और अपनी जड़ें अपने देश के, हमारे भारत देश के अंदर इन लोगों ने बनाने की कोशिश करी. तो देखिए सूफिज़म जो है पूरी तरीके से इस्लाम धर्म से मैं अलग तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है. इसीलिए आज की डेट में इनके फॉलोवर्स अलग हैं और उनके फॉलोवर्स अलग हैं. ऐसा इसीलिए क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये एक संस्था थी. इस सूफीवाद का आयोजन खान कहा के धर्मशाला के आसपास एक संस्था में किया गया था, जैसे शेख बोल लीजिए, पीर बोल लीजिए, या और लिखा हुआ है ये ओ नहीं है, ये और है, और मुर्शिद, इनके नाम से ये लोग जाने जाते थे. आप कुछ भी बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है. तो यानी कि कहा जा सकता है कि एक समुदाय जो है वो खान कहा बोलते हैं,
फारसी भाषा वर्ड है इसका, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि आप उस समय पे नियंत्रण करने वाले, जो खानकाह, यानी कि एक खानकाह होता क्या असल में, पहले तो ये जान लीजिए, खानकाह एक तरीके का एक प्लेस हो गया, जैसे कि मस्जिद जहाँ पे आज की डेट में बनती है, वैसे ही खानकाह जो है वहाँ पे एक प्लेस है, जिसका हेड कौन होता था उस टाइम पे, उनका हेड होता था शेख, शेख जिसे अरबी भाषा में शेख बोला जाता है, वो या तो पीर होते थे या तो मुर्शिद होते थे, तो ये लोग उस समय पे उनके हेड हुआ करते थे। मुर्शिद जो है वो भी एक फारसी वर्ड है, और शेख जो है वो एक अरबी वर्ड है। जैसे कि मैं बोल लूँ एक मंदिर, मंदिर के अंदर एक पुजारी है, पुजारी उनका हेड होता है और मंदिर को चलाता है, ऐसी खानकाह जो है एक धर्म स्थल है जिसको चलाने वाले लोग कौन है, शेख, पीर या मुर्शिद, ये उस समय पे होते थे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इस्लाम जगत से थोड़े से अलग है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने शीर्ष बनाए, शीर्ष इन द सेंस उनको फॉलो करने वाले जो उनके मुरीद थे, दैट मीन्स मुरीदों को बनाया, शीर्षक बोल लीजिए मुरीद, जैसे कि आप फैन हो जाते हैं किसी फिल्म स्टार के, आप उनके मुरीद हो जाते हैं, ऐसी ठीक, ऐसे ही उन लोगों ने उनके शिष्यों को मुरीद कहा, और मुरीद को इन लोगों ने भर्ती करना चालू कर दिया, और भर्ती करते करते उन्होंने उनके बीच में जो खलीफा होते थे, खलीफा दैट मीन्स जो हेड होते थे, जो शेख के बाद पूरी तरीके से माने जाएंगे, उनकी इन लोगों ने भर्ती करनी चालू कर दी, तो ये सब पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि उन्होंने नियुक्ति करी, और फाइनली आध्यात्मिक व्यवहार को निर्धारित करना चालू कर दिया। खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच में और शेख और जन सामान्य के लोगों के बीच में कुछ सीमाएं होती थी जो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से किसके बीच में बात करी जाएगी, यहाँ पे बात करी जाएगी उनके मास्टर्स के बीच में और जन सामान्य लोग, यहाँ पे जन सामान्य लोग हैं, इनके बीच के आचरण को भी स्थापित करने वाले लोग थे, यानी कि मुरीद जो होते थे वो शेख के ही अंडरटेकिंग में उनके फॉलोवर माने जा सकते हैं। अब इसी वजह से हुआ क्या, इसी वजह से क्योंकि 11वीं सेंचुरी के अंदर तो सूफिज़्म आ चुका था, इसलिए लगभग धीरे धीरे करके शेख बोल लीजिए, पीर मोहम्मद बोल लीजिए, मुर्शिद बोल लीजिए, ये सारे के सारे लोगों ने कैप्चर करा अपने लोगों को, और फाइनली लोगों ने 12वीं सेंचुरी तक आते आते दुनिया के अंदर सूफी का सिलसिला जो है, सूफी का सिलसिला यानी कि सिलसिला बोलते हैं इसका गठन कर दिया। अब सिलसिला का मतलब आप समझ लीजिए, सिलसिला का एक शाब्दिक अर्थ है एक श्रृंखला, एक जंजीर, एक श्रृंखला बोल लीजिए, जंजीर, यानी कि गुरु के बीच में और उनके शिष्य के बीच में। गुरु कौन होते थे, गुरु होते थे शेख, और शिष्य कौन होते थे, उनके मुरीद। इनके बीच में जो एक नियंत्रण, एक कड़ी संकेत जो थी ना, वो दिखाने की कोशिश करते थे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ उनके बीच में एक अटूट विश्वास जो है वो हो सकता है, वो सिलसिला उसे बोलते हैं ये लोग। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद से जो लोग जुड़े हुए थे वो उनके मुरीद हो सकते हैं, और इनके बीच का जो संबंध था वो सिलसिला कहलाया, जो पैगंबर मोहम्मद के लिए एक अटूट रिश्ते की तरह ही था, और इस तरीके से आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचाते थे ये लोग। तो 12वीं सेंचुरी के आसपास इस्लामी दुनिया के अंदर विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिला जो है वो देखने को मिलता है। क्यों, जो शेख थे वो उनके लिए हेड होते थे, पीर जो है उनके लिए हेड होते थे, मुर्शिद जो होते थे उनके लिए हेड होते थे, और जो उनके मुरीद होते थे उनके शिष्य होते थे। लगभग धीरे करते 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 ये लोग पूरी तरीके से काफ़ी हद तक फेमस हुए, और इन लोगों ने धीरे धीरे करके एक विशिष्ट अनुशासन का जो है एक विकास करा, और इन्होंने मतलब एक निष्ठा, आचरण, ये सब धीरे धीरे इन लोगों ने बनाने की कोशिश करी। अब देखिए समझ सकते हैं, शेख, शेख इन सभी के लिए हेड होते थे, क्यों, ये शेख वही लोग हैं जो खानकाह की धर्मशाला के हेड हुआ करते थे, क्योंकि सूफी जैसे संस्था का विकास तो खानकाह के आसपास ही हुआ था, और खाना खा जो है वो पूरी तरीके से उस टाइम पीरियड पे शेख या पीर जो थे वहाँ के हेड हुआ करते थे। अब इनकी मृत्यु के बाद जब ये शेख लोग मर जाया करते थे, तो पीर यानी कि शेख या मुरीद या मुर्शिद बोल लीजिए, इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे दरगाह का निर्माण करवाया जाता था। तो दरगाह भी एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब है दरवाज़ा, इसका पूरी तरीके से दरगाह का मतलब दरवाज़ा है, उसका ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर दरगाह बना देते थे।
तो उनके मुरीदों के लिए भक्ति स्थल बन जाता था वो। क्यों? क्योंकि शेख जो होते थे यानी कि जो पीर होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी समाधि वहाँ पे बन जाती थी, और उनके जो अनुयायी थे यानी कि जो उनके मुरीद थे यानी कि जो फॉलोवर थे, वो पूरी तरीके से उनके भक्ति के केंद्र में आ जाते थे। और फाइनली कुछ समय के बाद उनको मानने वाले, उनके फॉलोवर्स या उनके विचारधारा से समझने वाले लोग काफ़ी समय बाद भी उन कब्रों के पास आते थे, उन शेख के, उन पीर की कब्रों पे आते थे। और यहाँ पर पूरी तरीके से तीर्थ यात्रा भी उन लोगों के लिए बन जाता था। तो कहीं पे भी हो ये लोग, ये अपने पीर मोहम्मद के पास ज़रूर आएंगे। इस तरीके से एक भक्ति का स्थल जो था वो यहाँ पे सूफिज़्म के अंदर विकसित होता है, यानी कि मस्जिद से अलग मैं आपको दरगाह बोल सकता हूँ। दरगाह पूरी तरीके से इनका एक विचारधारा थी कि पीर की आत्मा जो है ये पूरी तरीके से उस समय ईश्वर से मिल जाती थी, इसलिए लोग यहाँ पे दरगाह का निर्माण कर देते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह पीर की दरगाह पे जियारत के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर लोग। जियारत आप समझ सकते हैं, जियारत एक प्रथा है जो पूरी तरीके से एक प्रोत्साहित करती है। जब किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जन्म तिथि पे, उन्हें पुण्य तिथि पे ये लोग जियारत करने के लिए जगह पे आते हैं। जियारत एक तरीके की प्रार्थना मान लीजिए, उस समय पे ये प्रार्थना करने यहाँ पे आया करते थे। तो खानकाह आप समझ सकते हैं कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर। पूरी तरीके से इनका मानना क्या था कि मौत के बाद जो पीर मोहम्मद होते थे उनकी आत्मा अल्लाह की आत्मा से एकजुट हो जाती थी, और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेस बन जाया करता था। लोगों ने भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार शेख के पंथ का विकास वली के रूप में हुआ। तो वली के रूप में इनका विकास हुआ, और इस तरीके से दरगाह जो थी वो धीरे धीरे करके, क्योंकि खानकाह एक ही जगह नहीं होती थी, शेख एक ही जगह नहीं होते थे। अब इनमें से जो शेख सबसे ज़्यादा फेमस होते थे उनकी दरगाह फेमस हो जाती थी, और उनके मुरीद, उनके फॉलोवर जो होते थे, उनके अनुयायी जो होते थे, उन मस्जिदों के ऊपर अपनी मन्नतें मांगने, अपनी सलामती के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं, और इन दरवाजे के ऊपर आते हैं, और अपनी आशा को लेके, अपनी सोच को लेके, अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है उसके लिए लोग यहाँ पे आया करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे हमारे देश के अंदर दरगाह जैसी चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और सूफिज़्म जो लोग थे इनसे कैसे अलग हुए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनसे भी थोड़े ज़्यादा अलग थे। जैसे कि अब मैंने बताया था ना, विष्णु और शैव धर्म को मानने वाले लोग, कुछ ऐसे नाथपंथी सिद्ध योगीज जो लोग थे वो पूरी तरीके से विष्णु धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक ऐसे ही खानकाह जो थे उनसे रहने वाले कुछ सूफी सिद्धांत जो थे वो एक अलग थे। ये कुछ और ही ज़्यादा रहस्यवादी लोग थे जिन्होंने एक नवीन आंदोलन की नींव रखी, यानी कि पूरी तरीके से खानकाह का तिरस्कार करके ये लोग पूरी तरीके से रहस्यवादी लोग थे। फकीर की ज़िंदगी बिताया करते थे, निर्धन थे, ब्रह्मचार्य का ये लोग पालन करते थे, और इन लोगों को उस समय पे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे अलग अलग नाम इनके हो सकते हैं, यहाँ पर एक नाम है कलंदर, कलंदर एक नाम है यहाँ पे, कैलेंडर लिखा हुआ है, कैलेंडर मदीरास यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन मलंग लिखा है, एंड देन यहाँ पे हैदर, हैदर इत्यादि। ये सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पे, इन्हें बेशारिया कहा जाता है। बेशारिया ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने शारिया कानून जो है उनकी अवहेलना करी, और ये कहा कि हमें जो पूरी तरीके से खानकाह का जीवन है या जिस तरीके से लोग मस्जिद को फॉलो करते हैं, उनके निर्माण को बनाए रखते हैं, वो सब गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बेशारिया लोग थे। एक था बाशारिया लोग, इनको पूरी तरीके से इन लोगों ने शारिया कानून का पालन करा, और इनको अलग नामों से नहीं जाना जाता था। सो ये सूफिज़्म के अंदर एक अलग कैटेगरी के लोग थे। आपने मस्त कलंदर का नाम सुना होगा, है ना, उसके बाद मदारी का नाम सुना होगा, मलंग का नाम सुना हो, मैं ये बहुत से लोग गानों के अंदर भी आया करते थे ये नाम, लेकिन अर्ली टाइम पीरियड पे किसी लोगों को नहीं पता होता था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये लोग पूरी तरीके से
उस टाइम पीरियड के अंदर सिलसिला को कैसे अपनाते थे, कैसे मुर्शिद और मुरीद के बीच में कितना अंतर होता था शिष्य और उनके बीच में। तो आइए ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं पूरी तरीके से उपमहाद्वीप के अंदर जो चित्सी सिलसिला है वो इतना फेमस क्यों हुआ। यानी कि सिलसिला आपको पहले ही मैंने बता दिया सिलसिला क्या होता है। तो 12th सेंचुरी के अंत तक, यानी कि क्योंकि भारत के अंदर तो ये काफ़ी हद तक इस्लाम धर्म आ चुका था और भारत के अंदर जब सूफिज़्म समुदाय बढ़ रहा था, चिश्ती जो थे वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने ना केवल अपने स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से अपने आप को ढाला, बल्कि उन लोगों ने भारतीय भक्ति जो परंपराएं थी उनको भी काफ़ी हद तक इन लोगों ने अपनाया। तो देखिए खाना खा जो है एक सामाजिक जीवन केंद्र बिंदु था। खानखा एक जगह ही मैंने आपको बताया था जो दरगाह नहीं हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पे, एक नॉर्मल प्लेस होता था। इसमें से सबसे फेमस जो है शेख निजामुद्दीन औलिया। 14वीं शताब्दी में खानखा के बारे में हमें इनके बारे में पता चलता है, और जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा यमुना नदी के किनारे पर गयासपुर में स्थित था। तो गयासपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल था और यहाँ पर बहुत से सहवादी जो थे अतिथि के रूप में यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बहुत तरीके से उपासना करते थे। और शहरवादियों में से शेख जो था उनका भी परिवार यहाँ पर रहा करता था। कहाँ पे रहा करता था? गयासपुर के अंदर। तो खानकाह एक सामाजिक जीवन का केंद्र था, इसमें कई छोटे कमरे थे और इसमें एक बड़ा हॉल भी था। इसमें बहुत से कैदी और जो विजिटर्स होते थे वो यहाँ पे आते थे, अपनी प्रार्थना करते थे, जिसमें से शेख जो है, शेख यानी कि वही छित्सी जो है उनका भी एक परिवार था वहाँ पर जो यहाँ पे ये रहते थे। तो शेख जो है वो हॉल की छत पे एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ वे सुबह और शाम को अपने विजिटर से मिलते थे। तो यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया इतने फेमस क्यों हुए? उनका कारण सिर्फ यही था कि उस टाइम पीरियड में शेख जो है अपने मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। सुबह शाम मिलने के लिए उनके लिए उस समय पे एक छोटा सा गलियारा हुआ करता था। खानकाह के चारों ओर दीवारें घिरी रहती थी और यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण जो थे वहाँ पर हुए थे, इसीलिए यहाँ पर खानकाह के अंदर लोगों ने शरण ली थी। तो यहाँ पे एक ऐसा समुदाय था जहाँ पे लंगर जो था वो काफ़ी हद तक चलता रहता था। सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी लोग यहाँ पे शेख से आशीर्वाद लेने आया करते थे। सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, मतलब हिंदू, जोशी, कलंदर, मतलब ऐसे बहुत से लोग थे जो इबादत करने वाले लोग थे जो शेख से उस समय मिलने आया करते थे। तो आप समझ सकते हैं शेख कौन थे, मैंने आपको बताया था खानकाह जो होते हैं उनके हेड हुआ करते थे, जिसमें से चित्सी जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उनका परिवार, इसीलिए ये भी एक शेख थे। और शेख जो है हमारे शेख, जिसमें से एक इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। अब उस टाइम पे इनके इनकी खासियत के बारे में मैंने ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने शेख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोली है, जिसमें से सीजाज जो है, सीजाज हसन सीजाज जो है, इन्होंने उनके उनके एक विजिटर थे, उन्होंने उनके बारे में लिखा। अमीर खुसरो हैं, उन्होंने लिखा। और जो दरबारी इतिहासकार जो जियाउद्दीन बरनी जो है, जो कवि हैं, उन्होंने भी शेख के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इवन उस समय पे शेख जो है खानकाह के अंदर तो रहते थे लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन बहुत आम था। उन्होंने कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए बोला था चित्सी के सामने, जैसे कि शेख के सामने सर झुका के बात करनी है, शेख के सामने जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए पानी का जो वितरण होगा वो बना के रखना है, शेख के सामने सिर मुंडवा के रखना है, डेली व्यायाम करना है। ऐसे बहुत से काम होते थे उस समय पे जो शेख जो थे उस समय पे इन चीज़ों को बनाए रखते थे। तो यहाँ पर चित्सियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाओं तक शेख का यश इस वजह से चारों दिशाओं में फैल गया क्योंकि इन लोगों ने आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर तीर्थयात्री जो थे आने लग गए थे इन प्लेसेस पे, इसी वजह से यहाँ पे चित्सी जो है बहुत फेमस हो गए। तो देखिए
अब इनकी भी डेथ हुई थी उस टाइम पीरियड पे, और सूफी संत ने बाद में फिर इनकी इनके उस पे दरगाह बना दी थी, और फिर ज़ियारत के लिए बहुत सारे इस्लामी संसार के लोग यहाँ पे इनकी मतलब अपनी उसके लिए आया करते थे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इस अवसर पर संत जो लोग हैं वो आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी कि अपनी बरकत की कामना करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से लोग आते थे। कैसे आते थे आप वो समझ सकते हैं, ज़ियारत और कवाली जो है उसका एक हिस्सा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सूफिज़्म यहाँ पे बढ़ा, उन लोगों ने क्या करा, फिर उन लोगों ने चित्सी की दरगाह जो है वो बनवा दी, और फाइनली उन लोगों ने फिर यहाँ पे पूजने जो ख्वाजा सबसे ज़्यादा फेमस जो है यहाँ पे गरीब नवाज जिसे बोलते हैं ये लोग, यहाँ पे इन लोगों ने उनकी दरगाह को और फेमस कर दिया। तो यानी कि औलिया साहब जो हैं उनकी दरगाह तो वैसे भी फेमस है, और यहाँ पर उनमें से पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय वर्ग और समुदाय के लोग, 5 महान चित्सी संत जो हैं उनकी दरगाह पे यहाँ पे लोग आया करते थे। तो जिसमें से निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया तो थे ही जिनकी कब्र पे लोग आया करते थे, और उसमें से सबसे पूजनीय दरगाह जो है ख्वाजा मीनुद्दीन जो है इनकी दरगाह जो है सबसे ज़्यादा पूजनीय है, गरीब नवाज के नाम से ये जाने जाते हैं। और ख्वाजा म्यूनी दीन जो है उनकी दरगाह के बारे में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता जो है फेमस है, और यह दरगाह जो है शेख के सदाचार और धार्मिक निष्ठा जो है उनके जो आधारिक जीवन है उनके बारे में बताता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग ये इसलिए है कि शेख की तपस्या, पवित्रता और उनके आध्यात्मिक जीवन जो है उनके उत्तराधिकारी की महानता के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं चिश्ती जो थे वो शुरुआती समय पे खानखा के अंदर रहते थे, और उनको फॉलो करने वाले जितने भी थे उसमें से औलिया साहब जो है शेख महमुद्दीन औलिया और यहाँ पर गरीब नवाज जो है ये फेमस दरगाहों में से एक है पूरे देश के अंदर, और वर्ल्ड वाइडली फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे तो ये बन बहुत पहले ही गई थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सबसे पहले दरगाह का दौरा किया था, और उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने 15 सेंचुरी के अंदर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से बनवाने की कोशिश करी। यह दरगाह ऐसी है जो राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इसकी हो रखी है। इसका फेमस होने का कारण यह है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस दरगाह में आए थे, और उसके बाद दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग जो था वो अजमेरी था यानी कि राजस्थान था, और यात्रियों के लिए एक आकर्षण का प्लेस था यहाँ पर। इसीलिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये आए थे, और उसके बाद उस दरगाह की इतनी ज़्यादा फेमस चीज़ें थी जिसकी वजह से 16 सेंचुरी तक आते जाते अजमेर के अंदर ये दरगाह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्री के भजन ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर अकबर जो है उसने यहाँ पर 14 बार यहाँ पे इस दरगाह पे आने की इन लोगों ने कोशिश करी। हर साल के अंदर 2-3 बार तो यहाँ पे नए जीत के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए और पुत्र के जन्म के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे वहाँ पे अकबर आए थे। और इवन मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक बार यहाँ पे अजमेर के अंदर इस दरगाह के अंदर होके भी आया था, और उस टाइम पे मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ इस दरगाह के अंदर जब मैं गया। इनक्रेडिबली मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और मुझे उस टाइम पीरियड पे तो नहीं पता था कि यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर जो है 14 सेंचुरी में इस अजमेर की दरगाह के ऊपर आए थे, और इवन उस टाइम पे इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन खलजी, मतलब इतने सारे लोगों ने इसको इतना इम्पोर्टेंट माना, तो सही मायने में इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है उसकी भी दरगाह है, और ये दरगाह आपको अजमेर में देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं इस दरगाह को। तो आपके पास मौका हो तो ज़रूर जाइएगा। अब देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके जो बीच शीशे जो अमीर खुसरे थे उन्होंने काफ़ी हद तक इसको बताने की कोशिश करी कि कितना इम्पोर्टेंट था ये। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ सिलेक्टेड ही लोग क्या कहते हैं यहाँ पर आते थे, यहाँ पर बहुत से लोग
अपने ज़ियारत का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे नाच करते हैं, डांस करते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आते हैं, तो जितने भी आप दरगाह देखेंगे वहाँ पर दिव्य परमानंद के लिए, मतलब पूरी तरीके से जोश जगाने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से जो टैलेंटेड संगीतकार है, कव्वाल है, यहाँ पे रहस्यमय मंत्रों के साथ संगीत को पढ़ते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और ज़ियारत का हिस्सा बन पाते हैं। तो सूफियों ने जिक्र जो करा है अपने पाठों के अंदर, वो समा बनाते हैं वहाँ पर, और जितने भी उपस्थित लोग हैं उनके सामने कव्वालियाँ गाते हैं, गाने गाते हैं, रहस्यमय संगीत का प्रदर्शन करते हैं, भगवान को याद किया जाता है। मतलब सब अपने जो भी, क्योंकि ये लोग मुरीद थे और उस समय पे ये लोग वहाँ पे गाना गाते थे, और शेख की खासियत के लिए तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे करेंगे, तो इसीलिए ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पर अपना महफिल का हिस्सा बनते हैं। इवन इसमें से और भी एक अलग चीज़ है, जैसे कई इच्छाएं जल्दी पूरी हो इसीलिए एक तरह की भेंट होती थी, जैसे कि उन्होंने प्रत्येक प्रकार से यात्रा का उपहार दिया लोगों को, उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने की सुविधा पेशकश करी, उन्होंने दरगाह के अंदर इवन मस्जिदों का निर्माण करवाने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते थे वो लोग, जो उन्होंने करा। मैंने मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर देखा था उस टाइम पीरियड पे कि लोग अपने ईश्वर से, मतलब एक अलग अलग तरीका होता था अपने ईश्वर से मांगने का, तो भेंट चढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका था, कोई अलग अलग तरीके से काम करता था, कोई अलग तरीके से काम करता था। और नेक्स्ट टॉपिक, चित्सी परंपराओं में भाषा और संचार। वैसे तो चित्सी लोग जितने भी थे, यानी कि जितने भी शेख उनके बाद हुए थे चित्सियों के बाद, उन्होंने कई प्रकार की भाषाओं में कविताओं की रचना करी है। इवन चित्सी लोग थे उन्होंने हिंदी, फारसी, इन भाषाओं का इस्तेमाल करा था। बाबा फरीद जो हैं, उन्होंने सूफियों के लिए स्थानीय भाषा में अपनी काव्य रचनाएं करी थी, और कुछ सूफियों ने तो उसमें अपने मानवीय प्रेम का भी उपयोग करके दिखाने की कोशिश करी, और ये दिखाया कि वो दिव्य प्रेम के विचार में कितना ज़्यादा उन्मुक्त हो रखे हैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे। तो इवन इनकी कविताएं जो थी, वजीरपुर यानी कि कर्नाटका के आसपास देखी जाने वाली भाषाओं में से एक थी, और इनके जो गाने गाए जाते थे वो कहीं अनाज पीसने वाली, कताई करने वाली घरेलू महिलाएं जो थी, इवन उनके गाने गाया करती थी जो उस टाइम पे इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो कविताएं जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, इन लोगों ने लोनी नामा जो है, लोनी नामा उस समय पे, इसमें लोनी बीज लिखा हुआ है, लोनी नामा येरा, ये कविता जो है उस समय फेमस थी। उसके बाद शादी नामा जो है ये फेमस थी। तो बहुत सी ऐसी कविताएं जो लिंगायत ने उस समय पे सूफी भाषाओं का इस्तेमाल करा था, फिर कन्नड़ में भी ट्रांसलेट करा था। तो ये उनका तरीका था किस तरीके से ये लोग अपनी गानों को लिखते थे। इवन आज की डेट में तो बहुत सारे गाने हो चुके हैं फेमस, जैसे कि आपने वो अदनान सामी का गाना भी सुना होगा, तो वो भी सेम टू सेम यही चीज़ दिखाने की कोशिश करता है कि गाना इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो सूफिज़्म को लेके और अपने प्यार प्रेम को लेके बताने की कोशिश करी जा रही है। अब इसमें इस्लाम धर्म जो है सूफिज़्म से अलग क्यों है, उसका एक कारण ये ऐसे हो सकता है कि सूफी और राज्यों के बीच में उनका संबंध क्या था। जैसा कि हमने आपको बताया कि चित्सी जो संप्रदाय है, एक विशेष संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता को दूर रहने पर बल दिया गया था। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक सत्ता से ये लोग अलग थे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि ये परंपरा काफ़ी फेमस थी और राजनीतिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग अलग नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई सत्ताधारी समाज का व्यक्ति, राजनीतिक समाज का व्यक्ति इनको अनुदान देता है या भेंट देता है, जो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे आसानी से। सुल्तानों ने खानकाह को कर मुक्त कर दिया और भूमि अनुदान में दी। जो धन होता था, जो दान होता था, उन सबको पूरी तरीके से दिया जाता था। और जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय पे जो भी राजा हमारे देश के अंदर आए थे, चाहे वो गयासुद्दीन खलजी हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो अकबर हो, उन्होंने इनको टैक्स फ्री करा और उनको ज़मीनें दी। तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि चित्सी ने नगद और
कई प्रकार के दान स्वीकार करें और तत्कालीन आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा, रहने के लिए जगह, रसम जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन लोगों ने सूफी को नैतिक नैतिक उच्च स्थिति में लोगों के जीवन में सभी क्षेत्रों को आकर्षित करा। तो उस टाइम पे शासक जो थे ना, न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, बल्कि उनका मेन मकसद यही होता था कि अगर मान लीजिए जब तुर्क ने दिल्ली के अंदर आक्रमण करा था, तो उस टाइम पे सुल्तान जो थे उनको अपना कारभार कैसे चलाना था, शारिया कानून के अनुसार उनको अपना कारभार चलाना था। आपको ये याद होगा। और जितने भी मुसलमान होते थे, जितने भी मोमडन्स होते थे, उन्हें पूरी तरीके से दिल्ली के सुल्तान जो तुर्क के अंदर से हमारे दिल्ली के सुल्तान बने थे, उन्होंने पूरी तरीके से राज्य का कानून जो था उन्हें किसके शारिया कानून के अनुसार ही बनाना पड़ता था। और जो सुल्तान था वहाँ पे अधिकांश जो प्रजा थी उन्हें पता था कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने कोशिश करा कि जो उलमा है उनका जो अनुग्रह है उनका विरोध करने की कोशिश करी। तो इस समय पे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, मतलब जो बाहर से अटैक करके हमारे देश में आ रहे हैं, और क्योंकि इनको शारिया कानून के हिसाब से कानून चला देश चलाना था, राज्य चलाना था, जो पूरी तरीके से हो नहीं सकता था। तो उस टाइम पे जो मैं बोल सकता हूँ, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उस टाइम पीरियड पे, इनके बीच में एक औलिया साहब जो थे, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो चित्सी के का उसके उसी में से थे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जो दशा है उसको सुधारने के लिए जो कार्य किया जाता था, उसके लिए यहाँ पे औलिया साहब ने इसके अंदर हस्तक्षेप करा। आपको याद होगा क्योंकि सूफिज्म के लोग पूरी तरीके से कुरान की बातों को और उनके कानून को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते थे। और उस समय पे जो औलिया साहब थे वो पूरी तरीके से सूफिज्म के अंदर थे, यानी कि उन लोगों ने इस्लाम धर्म के नहीं बल्कि सूफिज्म के जो लोग थे उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए शासक लोग जो होते थे, राजा जो होते थे, अपने मरने के बाद जो सूफी कब्रें होती थी वो दरगाह के साथ मतलब मकबरों को बनवाया करते थे। अब आपको समझ में आ गया हो कि ज़्यादातर आप देखते हैं कि दरगाह के अंदर पूरी तरीके से खानकाह के नज़दीक आसपास राजाओं की कब्रें क्यों बनवाई जाती थी। उनका कारण सिर्फ यही था कि वो इस्लाम धर्म को पूरी तरीके से नकारते होंगे शायद से, इसीलिए यहाँ पे वो पूरी तरीके से इनको इम्पोर्टेंस देते होंगे, इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता होगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ सुल्तान और सूफियों के बीच जो तनावपूर्ण उदाहरण थे वो भी देखने को कहीं ना कहीं कभी कभार मिल जाते थे। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि जो सूफी लोग होते थे उनका कुछ आचरण होता था, जैसे कि सिर झुकाकर, कदमों को चूमकर प्रमाण करना, यानी कि नमस्ते बोलना। और कभी कभी सूफी जो लोग होते थे वो तो काफ़ी हद तक ऐसी हरकतें कर देते थे वो जो मतलब जो टाइटल्स जो होते थे जो राजाओं को इस्तेमाल में लाए जाते थे वो कभी कभार इन सूफी विद्वानों इन सूफी लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके जो फॉलोवर्स होते थे वो इन्हें सुल्तान उल मक्षेद भी बोलते थे, यानी कि शेखों का सुल्तान बोलते थे, ऐसे कह के ये लोग संबोधित करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस पार्ट, और आई होप आपको थोड़ी बहुत भी इस वीडियो के अंदर समझ में आई हो पार्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को शुक्रगुजार मानूंगा। तो अंत में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आबाद रहिए, गाज़ियाबाद रहिए, फरीदाबाद रहिए, और टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।